वैभव राउत के लिए निकाला जनसैलाब, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौतियां बनी। आणि ज्यांनी त्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांचं काय झालंय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। तसंच आपण सर्व एक झालं पाहिजे आणि आपले जे गोरक्षक आहेत वैभवजी त्यांच्या विरोधात त्यांचा जो अन्याय झालाय त्याच्या विरोधात आपण एक झालं पाहिजे। त्यासाठी आपण सर्व ये मोर्चा था जो वैभव राउत गोरक्षक है, धर्मनिष्ठ है, राष्ट्रनिष्ठ है, इनके विरोध में जो जो कार्रवाई की गई एटीएस ने वो कार्रवाई भोगत नजर आ रही है। आपने देखा ही रहेगा उस दिन रात को क्या हुआ, एटीएस ने कुछ गोनी भर के माल ऊपर लेके गए उनके रूम में, उधर से नीचे उतारा, लेकिन मीडिया ने भी जो ऊपर जो चढ़ाया वो कभी बताया नहीं, जो नीचे ले आए वही बताया हुआ है। और ये जो बताया तब गाँव के जो पंच रहते हैं, क्योंकि ये सिटी ना होने की वजह से हमारा जो गाँव है उस गाँव में वहाँ की पंच मंडली है, इस पंच मंडली को जब पंच मंडली ने जब पूछा एटीएस अफसरों को कि भाई ये इसका पंचनामा होगा कि क्या कर रहे हो आप, तब एक एटीएस अफसर ने यही बताया था कि इसका पंचनामा होगा और आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या है। लेकिन जब सुबह 7 बजे वो लेके गए तब लोगों ने पूछा लेकिन पंचनामा हुआ नहीं, इसके लिए सब लोगों की वहाँ उपस्थितों की शंका आने लगी कि एटीएस ने कुछ तो गोड़बंगाल किया है, कुछ तो गंदा किया है, जो वैभव राउत को फंसाने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसा नहीं रहता तो एटीएस हमें दिखाती वहाँ पे क्या है, हमें नहीं दिखाया तो भाभी जी को दिखाती वहाँ पे क्या है, लेकिन एटीएस ने ये सब कुछ किया है उसमें किसी को कुछ बताया नहीं है, पारदर्शिता कहीं पे भी रखी गई नहीं है। और इसके वजह से लोगों में ये असंतोष है कि एटीएस ने जो किया है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, इनको जैसे मालेगांव में फंसाने की कोशिश की थी वैसे ही मालेगांव पार्ट टू यहाँ पे एटीएस यहाँ पे तो नहीं कर रही है ना, ऐसे नजर आ रहा है। आगे का कदम क्या रहेगा, आगे जाके हम आपको बताना चाहूंगा। ये वसई विरार तक मर्यादित ना रहते हुए पूरा पालघर जिला, ठाणे जिला, मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ गोरक्षकों पे क्या हो रहा है ये हम जनता को बताएंगे और पूरे भारत में इसकी आग लगाएंगे।